Hi everyone, let us start with new video on basics of ocular drug delivery systems. In this video, we will be discussing the controlled delivery of ocular systems. And if you have not subscribed our channel, do like, share and subscribe our channel SRIP Edu Pharma. सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, मतलब इसमें हम बेसिक्स देखेंगे कि ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स होती क्या है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन में जाएं तो दे आर स्पेशलाइज्ड डोसेज फॉर्म्स डिजाइन टू बी इंस्टिल्ड ऑनटू द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द आई दैट इज टॉपिकल और एडमिनिस्टर्ड इनसाइड दैट इज इंट्राऑक्यूलर और एडजेसेंट दैट इज पेरिऑक्यूलर टू द आई और यूज्ड इन कंजंक्शन विद एन ऑप्थाल्मिक डिवाइस। Now this it is a novel approach of drug delivery system in which the drug is instilled on the cul-de-sac cavity of eye and is known as ocular drug delivery system. यहाँ पर एक नया टर्म आया cul-de-sac. तो cul-de-sac क्या होता है? It is the space between eyelids and eyeballs. और इसमें जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन देखी उसमें ये देखा कि टॉपिकल इंट्राऑक्यूलर और पेरिऑक्यूलर ये तीन होते हैं रूट्स जहां पर कि हम कंट्रोल डिलीवरी सिस्टम्स को इंसर्ट कर सकते हैं। और इसको जनरली हम जो कन्वेंशनल होते हैं उनके लिए टर्म यूज होता है ऑप्थाल्मिक डोसेज फॉर्म्स और जो नोवल सिस्टम्स हैं उनके लिए यूज करते हैं ऑक्यूलर डिलीवरी सिस्टम या ऑक्यूलर डोसेज फॉर्म्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन कन्वेंशनल एंड नोवल ऑक्यूलर डिलीवरी सिस्टम्स। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो कन्वेंशनल होते हैं उनको ऑप्थाल्मिक वर्ड यूज करते हैं और जो नोवल होते हैं उनको ऑक्यूलर यूज करते हैं। इस कंपैरिजन से ये भी क्लियर होगा कि क्या जरूरत पड़ी या क्यों हमने नोवल ऑक्यूलर डिलीवरी सिस्टम्स को डेवलप किया है, उसकी क्यों रिसर्च हुई। तो जैसे कि ऑप्थाल्मिक में था ओल्ड कॉन्सेप्ट था, ऑक्यूलर जो है ये नया कॉन्सेप्ट है। ऑप्थाल्मिक जो थे उसमें देर वॉज एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव बट नाउ देर इज नो एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव एंड इन द कन्वेंशनल डोसेज देर वर हाई डोजिंग फ्रीक्वेंसी मीन्स मेनी टाइम्स वी हैड टू गिव द डोसेज फॉर्म। जैसे हम आई ड्रॉप्स वगैरह यूज करते हैं तो दो से तीन बार यूज करते हैं, बट इसमें लो डोजिंग फ्रीक्वेंसी होती है क्योंकि हम उसको इंसर्ट कर देते हैं या फिर हम उसको ऐसे डिजाइन करते हैं कि दिन में एक ही बार उसको लेना होता है। फिर मिनिमम रिलीज रेट होता था कन्वेंशनल में, इसमें मैक्सिमम रिलीज रेट है। फिर कन्वेंशनली इट वॉज हैविंग लिमिटेड फ्लेक्सीबिलिटी बट अभी वाले में एक्सट्रीम फ्लेक्सीबिलिटी है। मिनिमम एब्जॉर्प्शन रेट था ऑप्थाल्मिक में क्योंकि वो ड्रेन आउट हो जाती थी हमारे टीयर फ्लूइड्स के कारण, पर ये वाले जो सिस्टम है इसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन रेट है। और कन्वेंशनल में मिनिमम बायो अवेलेबिलिटी था और जो नए सिस्टम है इसमें मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी। जब हमने कंपैरिजन देखा तो वहां से आपको एडवांटेजेस भी क्लियर हो गए होंगे, जैसे कि इसमें एक्यूरेट डोसिंग होता है, देर इज नो एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव, देन देर इज इंक्रीज इन शेल्फ लाइफ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वाटर, देर इज लो डोजिंग फ्रीक्वेंसी, देन मैक्सिमम रिलीज रेट ऑफ ड्रग, एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन रेट एंड मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की, लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट है मूवमेंट अराउंड आई माइट ऑकर, मतलब जिस जगह पर हमने उसको इंसर्ट किया वहां से अपनी जगह से ये थोड़ा मूव कर जाए। सेकेंड है ओकेशनल लॉस ड्यूरिंग स्लीप और वाइल रबिंग आईज, क्योंकि ये फॉरेन बॉडी की तरह है हमारी आईज में तो कभी कभी हमारा हाथ चला जाता है आईज में और रब हो जाती है आईज। फिर थर्ड है परसीव्ड बाय पेशेंट एज फॉरेन बॉडी, कुछ पेशेंट्स में ऐसा भी होता है कि उसको फॉरेन बॉडी की तरह लेने लगता है और वो हमारे लिए थोड़ा सा उतना कंफर्टेबल नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है इंटरफेरेंस विथ विजन, ये भी किसी किसी पेशेंट को होता है कि उसको इंटरफेरेंस जैसा फील होता है। देन लास्ट इज डिफिकल्टी इन प्लेसमेंट एंड रिमूवल, क्योंकि इसको एक्सटर्नली हमको आई में प्लेस करना है और आई बहुत सॉफ्ट होता है तो कुछ पेशेंट्स को डिफिकल्टी भी लगती है उसको प्लेस करने में और रिमूव करने में। तो ये है कुछ लिमिटेशन। अब हम देखते हैं कुछ मेजर कैटेगरी ऑफ ड्रग्स जो कि ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के लिए यूज होती है और उनके कुछ एग्जांपल्स। तो फर्स्ट एनेस्थेटिक्स, एग्जांपल टेट्राकेन, एंटी इन्फ्लेमेटरीज लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, माइड्रियाटिक्स लाइक एट्रोपिन, साइटोप्लेजिक्स लाइक एट्रोपिन, देन मायोटिक्स लाइक पिलोकार्पिन हाइड्रोक्लोराइड, इट इज ऑल्सो ग्लोकोमा ड्रग, देन एंटी इन्फेक्टिव लाइक एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स एंड एंटी बैक्टीरियल्स, देन डायग्नोस्टिक ड्रग्स लाइक सोडियम फ्लोरेसिन, देन सर्जिकल एजेंट्स लाइक इरीगेटिंग सोल्यूशन। अब जब हमको ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स पढ़ना है तो हमको ब्रीफ में स्ट्रक्चर ऑफ आई को भी एक बार रिकॉल करना होगा। अगर डायमीटर की बात करें आई की तो वो 23 mm होता है
और स्ट्रक्चर में देखें तो आउटर मोस्ट कोट होती है जिसमें कि कॉर्निया और स्क्लेरा है, और जो कॉर्निया है इट इज अ क्लियर ट्रांसपेरेंट डोम ओवर द आयरिस एंड स्क्लेरा इज द वाइट ओपेक ऑफ आर आईज एंड इन मिडल देयर इज मिडल लेयर। और मिडल लेयर में क्या क्या होता है, आयरिस होता है, आयरिस इज द कलर्ड पार्ट विच इज एंटीरियरली प्रेजेंट, देन द कोरॉइड इज द पोस्टीरियरली प्रेजेंट पार्ट, द सीलियरी बॉडी इज इंटरमीडिएट पार्ट एंड द प्यूपिल इज द ब्लैक सर्क्यूलर ओपनिंग इन द आयरिस दैट लेट्स लाइट इन एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड रेटिना। ये आप डायग्राम से भी इसको देख के समझ सकते हैं। ऑक्यूलर एब्जॉर्प्शन के लिए मेन जो बैरियर है वो कॉर्निया होता है, इसलिए कॉर्निया का स्ट्रक्चर अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। कॉर्निया थ्री लेयर्स से मिलके बना होता है, आउटर मोस्ट होता है एपिथेलियम जो कि लिपोफिलिक नेचर का होता है, फिर है स्ट्रोमा विच इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर एंड थर्ड इज एंडोथेलियम विच इज अगेन लिपोफिलिक इन नेचर, इसलिए इसको फैट वाटर फैट स्ट्रक्चर बोलते हैं। और मेन ऑक्यूलर एब्जॉर्प्शन के लिए ड्रग को इसी लेयर से क्रॉस करना है, तो मेन बैरियर या मेन रेट लिमिटिंग स्टेप होता है इस कॉर्निया को क्रॉस करना। अब बात करते हैं बैरियर्स इन ऑक्यूलर एब्जॉर्प्शन की, तो इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, फर्स्ट है प्री कॉर्नियल कंस्ट्रेंट्स एंड सेकेंड इज कॉर्नियल कंस्ट्रेंट्स। प्री कॉर्नियल मतलब कॉर्निया से पहले वाली, तो इसमें क्या क्या आता है, सॉल्यूशन ड्रेनेज, लैक्रिमेशन, टियर डाइल्यूशन, टियर टर्नओवर एंड कंजक्टाइवल एब्जॉर्प्शन। मतलब जब हमने कोई भी एक डोसेज फॉर्म को इंसर्ट किया तो क्योंकि हमारे आईज में टियर ग्लैंड होती है और वो टियर डेवलप करती है और उस टियर के कारण जो हमारा डोसेज फॉर्म है वो ड्रेन होने लग जाता है, तो कितनी ड्रग ड्रेन हुई कितनी रिटेन हुई ये हुआ प्री कॉर्नियल कंस्ट्रेंट। इसके बाद आता है कॉर्नियल कंस्ट्रेंट, तो जैसा हमने पहले देखा कि कॉर्निया जो है ये रेट लिमिटिंग बैरियर है, इसकी एनाटॉमी हम देख चुके हैं कि तीन लेयर्स हैं और इस लेयर को जो ड्रग जिस रेट में क्रॉस होती है वो उस हिसाब से उसका ऑक्यूलर एब्जॉर्प्शन होता है, उसका रेट होता है। यहाँ पर हम एक बार कंपोजिशन ऑफ आई को वापस से रिकॉल करेंगे, तो आई में वाटर जो है 98% है, सॉलिड 1.8%, ऑर्गेनिक एलिमेंट में तीन पार्ट्स होते हैं, प्रोटीन 0.67%, शुगर 0.65%, सोडियम क्लोराइड 0.66% एंड इट हैज अदर मिनरल एलिमेंट्स लाइक सोडियम पोटेशियम अमोनिया विच इज 0.79%। एंड वी शुड ऑल्सो नो वॉट इज आर्टिफिशियल टीयर, द सोल्यूशन इंटेंडेड टू रीवेट हार्ड लेंसेज इन सिट्यू आर रिफर्ड एज रीवेटिंग सोल्यूशंस और आर्टिफिशियल टीयर। ऑक्यूलर एब्जॉर्प्शन के लिए हमको उसका पाथवे जानना बहुत जरूरी है, तो जब ड्रग आई टीयर फ्लूइड में, तो उसमें एक तो ऑक्यूलर एब्जॉर्प्शन होता है, दूसरा सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन है, तो 5% ऑफ द डोज का ऑक्यूलर एब्जॉर्प्शन होता है और 50-100% ऑफ द डोज जो है उसका सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली होता है। अब ऑक्यूलर एब्जॉर्प्शन में भी दो रूट है, कॉर्नियल रूट और कंजक्टाइवल एंड स्क्लेरल रूट है, तो कॉर्नियल रूट जो है ये फर्स्ट रूट होता है। यहाँ हमको ये याद रखना है कि स्मॉल लिपोफिलिक जो ड्रग्स होती हैं वो कॉर्नियल रूट से एब्जॉर्ब होती हैं और लार्ज हाइड्रोफिलिक ड्रग्स इनका एब्जॉर्प्शन होता है बाय कंजक्टाइवल एंड स्क्लेरल रूट। फिर यहाँ से कॉर्नियल रूट से ड्रग जाती है एक्वियस ह्यूमर में और वहां से ऑक्यूलर टिश्यूज में, और जो कंजक्टाइवल एंड स्क्लेरल रूट से जो ड्रग आई वो भी जाएगी ऑक्यूलर टिश्यूज में और उसके बाद फिर वहां से इनका सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है में ड्रग चली जाती है। और इधर से अगर हम देखें सिस्टमिक सर्कुलेशन में, मेजर रूट में आता है कंजक्टिवा ऑफ द आईज एंड नोज और माइनर रूट में आता है लैक्रिमल ड्रेनेज, फैरिंग्स, जीआई ट्रैक्ट, स्किन एट द चीक एंड लिड्स, एक्वस ह्यूमर, इनर ऑक्यूलर टिश्यूज, और ये दोनों ही रूट से फिर अल्टीमेटली जो है वो ड्रग एलिमिनेट हो जाती है। तो ये पूरा एक पाथवे है ऑक्यूलर एब्जॉर्प्शन का। अब जैसे कि अभी तक हमने पाथवे देख लिया तो अब मैकेनिज्म ऑफ ऑक्यूलर एब्जॉर्प्शन एकदम क्लियर है, दो टाइप से होता है, एक नॉन कॉर्नियल एब्जॉर्प्शन एंड सेकेंड इज कॉर्नियल एब्जॉर्प्शन। नॉन कॉर्नियल क्या हुआ, पेनिट्रेशन अक्रॉस स्क्लेरा एंड कंजक्टिवा इनटू इंट्राक्यूलर टिश्यूज, इट इज नॉन प्रोडक्टिव बिकॉज पेनिट्रेटेड ड्रग इज एब्जॉर्ब बाय द जनरल सर्कुलेशन, इट इज माइनर पाथवे एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर ड्रग्स विद लो कॉर्नियल परमियाबिलिटी, एग्जाम्पल हुआ इन्यूलिन। अब बात करते हैं कॉर्नियल एब्जॉर्प्शन की, इट डिपेंड्स अपॉन फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग एंड आउटर एपिथेलियम इज रेट लिमिटिंग बैरियर, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन, इट हैज पोर साइज ऑफ 60 एंगस्ट्रॉम एंड इट गिव्स ओनली एक्सेस टू स्मॉल आयनिक एंड लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स।
एंड द ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट, इट्स अ ट्रांसपोर्ट बिटवीन कॉर्नियल एपिथेलियम एंड स्ट्रोमा, एग्जाम्पल है पिलोकार्पिन। अब बात करते हैं आइडियल रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी। एज वी नो दैट ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स दे ऑल्सो कम अंडर स्टेराइल प्रिपरेशन, सो दे शुड बी स्टेराइल, दैट इज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज फ्री फ्रॉम ऑल द टाइप ऑफ फॉरिन पार्टिकल्स। देन द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ रिलीज काइनेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी आइसोटोनिक, शुड हैव बफर कैरेक्टरिस्टिक्स, देन इट शुड देर शुड बी ईज ऑफ मैनुफैक्चरिंग एंड हैंडलिंग ऑफ द सिस्टम, देन इट शुड बी स्टेबल एंड कम्फर्टेबल फॉर यूज। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स इन द आई एंड द फैक्टर्स दैट अफेक्ट ड्रग अवेलेबिलिटी। इसमें हमको एक चीज अच्छे से याद रखना है कि जो सोल्यूशन का जो ड्रेनेज होता है जब हम आई में कोई भी सॉल्यूशन को इंसर्ट करते हैं, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी एंड देयर इज इंड्यूस्ड लैक्रिमेशन, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स एंड नॉर्मल टीयर टर्नओवर। ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बिल्कुल याद करने वाली चीज़ है कि जो नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ टीयर्स है वो 7 माइक्रोलीटर होता है एंड द ब्लिंकिंग आई कैन एकोमोडेट अ वॉल्यूम ऑफ अप टू 30 माइक्रोलीटर विदाउट स्पिलेज एंड द ड्रॉप वॉल्यूम इज 15 माइक्रोलीटर। द सुपरफिशियल absorption of drug on into the conjunctiva and sclera and rapid removal by the peripheral blood flow is very important. इसमें हमको क्या चीज़ याद रखने वाली है, क्योंकि जब कोई भी ऑप्थाल्मिक सिस्टम आई में आता है तो जो टीयर ग्लैंड हैं वो ऑटोमेटिकली लैक्रिमेशन करने लगती है, तो ड्रेनेज शुरू होता है, तो वहाँ पर हमको पता होना चाहिए कितना नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ टीयर है और कितना हमारा सैम्पल आईज में इंसर्ट कर सकते हैं। सो अगर हम फैक्टर्स अफेक्टिंग इंट्राऑक्युलर बायो अवेलेबिलिटी देखें तो इसमें आता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ लैक्रिमल फ्लूइड, देन एफिशिएंट नेसोलैक्रिमल ड्रेनेज, इंटरैक्शन ऑफ ड्रग विद प्रोटीन्स ऑफ लैक्रिमल फ्लूइड और प्रोटीन बाइंडिंग, डायल्यूशन विद टीयर्स, कॉर्नियल बैरियर्स, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स, एक्टिव आयन ट्रांसपोर्टेड कॉर्निया, लिमिटेड एंड पुअर कॉर्नियल परमियाबिलिटी, मेटाबॉलिज्म और डिग्रेडेशन ऑफ लाइसोजाइम enzyme that is present in eye, plasma value profile, poor residence time, poor rate of absorption of drug and high dosing frequency. अब हमको अगर ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी को इम्प्रूव करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो सबसे मेन चैलेंज था कि वो ड्रेन हो रहा है तो हमको उसको आई में रिटेंशन को इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, विस्कोसिटी एनहांसर्स यूज कर सकते हैं जो कि उसको थिक कर देगा और उसको ड्रेन नहीं होने देगा प्रिपरेशन को। इसलिए आई ऑइंटमेंट्स, जेल्स हैं लाइक हाइड्रोजेल ऑर्गेनोजेल्स यूज होते हैं, फिर प्रो ड्रग्स और डबल प्रो ड्रग्स यूज होते हैं, दीज आर द इनएक्टिव फॉर्म्स विच आर गिवन एंड आफ्टर इट क्रॉसेस द बैरियर इट चेंजेस टू एक्टिव फॉर्म। देन पेनिट्रेशन एनहांसर्स, पेनिट्रेशन एनहांसर्स क्या करते हैं, उसके पेनिट्रेशन को जो बैरियर को क्रॉस करने की जो कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव कर देते हैं। फिर हम इसमें बहुत सारे डिलीवरी सिस्टम्स यूज कर सकते हैं लाइक लाइपोसोम्स, नायोसोम्स, नैनो सस्पेंशंस, माइक्रो इमल्शन, नैनो पार्टिकल्स, नैनोस्फियर, देन इंस्टीट्यू फॉर्मिंग जेल, इम्प्लांट एंड कॉर्नियल कोलेजिंग शीट। अगर हम एनहांसमेंट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी की बात करें तो पहला इसमें आता है कि आप विस्कोसिटी को बढ़ा सकते हो, विस्कोसिटी बढ़ेगा तो ड्रेनेज कम होगा और इससे जो एलिमिनेशन रेट है वो भी स्लो हो जाता है और कॉन्टैक्ट टाइम बढ़ जाता है। इसको हम कैसे करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स लाइक मिथाइल सेलुलोज, पॉलीविनाइल अल्कोहल, पॉलीएक्रिलिक एसिड, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज एंड कार्बोमर। मिनिमम विस्कोसिटी जो है वो 20 CST होना चाहिए फॉर ऑप्टिमल कॉर्नियल एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ पेनिट्रेशन एनहांसर्स। पेनिट्रेशन एनहांसर क्या करेगा, जो कॉर्नियल एपिथेलियल है, एपिथेलियम को हम जैसे बात की कि वो बैरियर लेयर है, तो उसको हम अगर कुछ ऐसा करें कि उसकी इंटीग्रिटी को मॉडिफाई कर सके और वो ड्रग वहां से क्रॉस कर जाए, तो उसके लिए हम पेनिट्रेशन एनहांसर्स यूज करते हैं। दीज आर द सब्सटेंसेज विच इंक्रीजेस द परमियाबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉर्निया बाय मॉडिफाइंग द इंटीग्रिटी ऑफ कॉर्नियल एपिथेलियम एंड आर नोन एज पेनिट्रेशन एनहांसर्स। इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, बाय इंक्रीजिंग द परमियाबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड दे एक्ट मेनली ऑन टाइट जंक्शंस। नेक्स्ट है यूज ऑफ प्रो ड्रग्स। प्रो ड्रग्स क्या करते हैं, दे एनहांस द कॉर्नियल ड्रग परमियाबिलिटी थ्रू मॉडिफिकेशन ऑफ द हाइड्रोफिलिसिटी और लिपोफिलिसिटी ऑफ द ड्रग। इसमें हम क्या करते हैं, उसका केमिकल स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं बाय मेकिंग इट सेलेक्टिव, साइट स्पेसिफिक एंड सेफ ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। द ड्रग्स विद इंक्रीज्ड पेनिट्रेबिलिटी थ्रू प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन आर
एपिनेफ्रिन, फिनाइलेफ्रिन, टीमोलोल एंड पिलोकार्पिन। नेक्स्ट अप्रोच इज बाय यूज ऑफ म्यूको एडहेसिव इन ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। सो म्यूको एडहेसिव क्या होते हैं? म्यूको मतलब जो म्यूसिन के साथ, एडहेसिव मतलब जाकर के अटैच जाते हैं या चिपक जाते हैं। तो म्यूको एडहेसिव कंटेन द डोसेज फॉर्म विच रिमेन्स एडहर्ड टू कॉर्निया अंटिल द पॉलीमर इज डिग्रेडेड और म्यूकस रिप्लेसेस इटसेल्फ। तो कौन से म्यूको एडहेसिव पॉलीमर्स होते हैं? जिनमें की मैक्रोमोलिकुलर हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं विद प्लेंटीफुल हाइड्रोफिलिक फंक्शनल ग्रुप्स लाइक हाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिल अमाइड एंड सल्फेट हैविंग कैपेबिलिटी फॉर एस्टैब्लिशिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस एंड द पॉलीमरिक म्यूको एडहेसिव व्हीकल इज रिटेन्ड इन द आई ड्यू टू नॉन कोवैलेंट बॉन्डिंग विथ कंजक्टाइवल म्यूसिन। इसमें टाइप्स की हम बात करें तो दो टाइप में कैटेगराइज किया है उनको, नेचुरली ऑकरिंग एंड सिंथेटिक म्यूको एडहेसिव। नेचुरली के एग्जाम्पल है लेक्टिन्स एंड फाइब्रोनेक्टिन्स, और सिंथेटिक में एग्जाम्पल है पीवीए, कार्बोपोल, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज एंड क्रॉस लिंक्ड पॉलीएक्रिलिक एसिड। अगर हम ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के टाइप्स को देखें तो कन्वेंशनली यूज होते थे सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्शन, ऑइंटमेंट्स, इंसर्ट्स एंड जेल्स। इसके बाद फिर और जो डेवलपमेंट हुआ तो कुछ वेसाइकुलर सिस्टम्स यूज हुए लाइक लाइपोसोम्स, नाइजोम्स, डिस्कोसोम्स, फार्माकोसोम्स। देन पार्टिकुलेट सिस्टम्स में आता है नैनो पार्टिकल्स एंड माइक्रो पार्टिकल्स, और एडवांस सिस्टम में देखें तो जीन डिलीवरी, स्क्लेरल प्लग्स, स्टेम सेल और ईसीटी आता है। और कंट्रोल्ड रिलीज सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आते हैं कोलेजन शील्ड्स, इम्प्लांट्स, हाइड्रोजेल्स, डेंड्रिमर्स, आयोनोफोरेसिस, पॉलीमरिक सॉल्यूशंस, कॉन्टैक्ट लेंसेज, साइक्लोडेक्सट्रीन, माइक्रोनीडल, माइक्रो इमल्शंस, नैनो सस्पेंशंस। तो ये जो डिटेल इनका ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हमने बेसिक्स देखे ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के, और क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या कन्वेंशनल के साथ कंपैरिजन है, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में जाएंगे ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। होप यू हैव लाइक्ड द चैनल, डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल SRIP एडू फार्मा एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन ऑफ द न्यूअर वीडियोज। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।